अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समीज न्यूज़ और मैं हूं सिद्रा कुरैशी। सबसे पहले हेडलाइंस। जामपुर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, आवाम सरापा एहतजाज। जामपुर में गंदगी के अंबार लग गए, इंतजामिया खामोश। दाजल में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें, जामपुर ट्रांसपोर्ट माफिया बेलगाम, ट्रैफिक पुलिस गायब। डेरा चुंगी जामपुर से आवाम का पैदल चलना भी मुहाल। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। लंगर खाने खोलकर कारखानों में ताले लगा दिए गए हैं, मियां जावेद लतीफ। हुकूमत का मरियम नवाज का नाम ECL से ना निकालने का फैसला, फैसल वाडा। सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली या प्री इलेक्शन को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। पाकिस्तान से टेस्ट मैच सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। दाजल में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर अवामी समाजी हलकों की तरफ से तशवीश का इजहार। मोटरसाइकिल डकैतों की वारदातों में कई शहरी परेशान। गुज़िश्ता दिनों ताजिर रहनुमा मियां इब्रार अहमद ख्वाजा से दिन दहाड़े चार डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल और 7 लाख रुपए से रकम छीन ली और फरार हो गए। पुलिस तहार मुलजिमान को ट्रेस ना कर सकी। जामपुर पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। जामपुर में तजावजात माफिया काबिज। सीवरेज के नाकारा बसीदा सिस्टम की वजह से शहर भर में सीवरेज का पानी जामपुर गली बाजारों में फैल गया। हर तरफ गंदगी के अंबार, इंतजामिया ट्रांसपोर्टर के हाथों यरगमाल बन गई। डेरा चुंगी जामपुर कई गैर कानूनी अड्डे बन गए और ट्रैफिक पुलिस गायब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली या कबल अज वक्त इंतखाबात को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। सिराजुल हक ने कहा कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो इन हाउस तब्दीली या कबल अज वक्त इंतखाबात बेहतरीन ऑप्शन है। इन्होंने कहा कि इन हाउस तब्दीली और कबल अज वक्त इंतखाबात जमहूरियत का हिस्सा हैं। तब्दीली के नाम पर मौजूदा हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई। हुकूमत ने जब नवाज शरीफ को एक सहूलत फराहम की है तो आसिफ जरदारी और दीगर बीमार शहरियों को भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने मज़ीद कहा कि तब्दीली के नाम पर अवाम के साथ धोखा हुआ है। अब चलाने वालों को भी एहसास हो गया है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इनका कहना था कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे पर मर्जी का आदमी मुसल्लत करना चाहती है जो निज़ाम के लिए बेहतर नहीं। हुकूमत को एहतसाब तो पसंद है मगर अपना नहीं। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि 22 दिसंबर को इस्लामाबाद चढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि कश्मीरियों की आज़ादी और पाकिस्तान को बचाने के लिए मार्च करेंगे। वफाकी हुकूमत ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ का नाम ECL से किसी सूरत ना निकालने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हुकूमत मरियम नवाज़ का नाम ECL से नहीं निकालेगी, लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ का नाम निकालने का हुक्म दिया तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि एक साजिश के तहत मईशत को कमज़ोर किया जा रहा है। लंगर खाने खोल कर कारखानों पर ताले लगा दिए गए हैं। कौम को भिखारी बना दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ का शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि 1.5 साल से मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां देने के बजाय छीनी जा रही हैं। लोग रिलीफ पर सवाल करें तो मौसूफ कहते हैं NRO मांग रहे हैं। नाअहल और नाकाम हुकूमत की बदयानती जारी है। रुपये की कदर कम करके आलमी मालिया इदारों से कर्जा लिया गया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर की कार को लाहौर के कई इलाके कैंट में हादसा पेश आया। हादसे में ख्वाजा इमरान नज़ीर के सर पर चोटें आईं। लीगी रहनुमा को लाहौर के CMH अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां इनके सर पर टांकें आई हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर के जख्मी होने की खबर पर मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में अस्पताल पहुँच गए।
دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت نے مبینہ کار حادثے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سے ٹیسٹ میچ سیریز کھیلنے کے لیے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 11 دسمبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 19 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سری لنکا کی ٹیم کے پہنچنے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ سری لنکا سے سیریز کے لیے اظہر علی کو کپتان برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ فواد عالم کی 10 سال بعد اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے اور عثمان چنواری کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔